बहुत असर करती है, इसका डीएनए तक बदल देती है। हमने मार्च में पौधा लगाया और अप्रैल और मई की गर्म लू रोकने के लिए कुछ हमारे पास नहीं है खेत में, तो पौधे का कैरेक्टर बदल जाएगा। कितनी अच्छी कंपनी का पौधा ले लो, जब बंच निकलेगा तो टेढ़ा मेढ़ा निकलेगा या छोटा निकलेगा या लंबा निकलेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ा जाएगी। तो फरवरी मार्च अप्रैल में जब लगाएं तो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में एक मक्का का दाना। अभी क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करना है वो बता रहा हूं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जब भी पौधा लगाएं तो पौधा लगाने के समय, फरवरी तक लगा रहे हैं तो पौधा लगाते के साथ इधर पौधा भी लगा दिया और मक्का का दाना भी रख दिया। कहां पर? दो पौधों के बीच में। अगर आपके खेत में 5000 पौधे हैं तो 5000 मक्का के दाने, इससे ज्यादा नहीं होना। मक्का लगाना है कैसा उसका साइंस है। बहुत सारे मित्र मुझे सुन करके पूरी लाइन लगा देते हैं मक्का की, तो केला खराब हो जाएगा, वो नहीं करना है। हमारे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी अगर 5 फीट है तो इस पौधे से 2.5 फीट, इस पौधे से 2.5 फीट, बीच में एक मक्का का दाना, दोनों पौधों के ठीक बीच में, ताकि ये केवल हाइट ले, इसका पत्ता पौधे में जाए ना और ये पौधा धूप बराबर ले सके। मतलब मक्का से मक्का भी 5 फीट और केले से केला भी 5 फीट, एक दूसरे में पत्ता नहीं घुसे। जब मई रहे, मई के महीने में अगर मेरा केला 3 फीट का है तो मक्का मेरा 5 फीट का होना चाहिए, दिक्कत देगा मई। अगर हमने फरवरी में लगाया तो फरवरी में मक्का लगा लो, दोनों साथ में चलेंगे तो ऐसा चलेगा। अगर हमने मार्च लास्ट में केला लगाना है तो 15 मार्च को मक्का लगा दो। अगर हमने अप्रैल में केला लगाना है तो 15 मार्च को मक्का लगा दो। अगर हमने मई में केला लगाना है तो 1 अप्रैल को मक्का लगा दो। केला लगाना है मुझे 15 मई को, लेकिन मक्का लगाना है 1 अप्रैल को। क्यों? जब मई में हम केला लगाएंगे उस समय मक्का की हाइट 3 फीट कम से कम होना चाहिए, उसके पत्ते बड़े आने चालू होना चाहिए, क्योंकि गर्म हवा जो चलेगी उस मक्का के ऊपर से चलेगी, नीचे सरफेस से नहीं बहेगी। हमने मई में केले का पौधा लगाया, उसकी हाइट 6 इंच की और 3 इंच का नीचे प्लग, टोटल 9 इंच का, तो प्लग तो नीचे घुस गया। अब नीचे सरफेस पे अगर गर्म हवा चल रही है तो इसको मार देगी या मोर्टिलिटी लेके आएगी। तो हमारे खेत में नीचे से गर्म हवा ना चले उसके लिए मक्का की हाइट 2 से 3 फीट हो, तो गर्म हवा खेत में आई ऊपर से बह के जाएगी, ठीक है। मक्का बहुत ही आवश्यक है, और अगर हम मई और अप्रैल में केला लगा रहे हैं तो साथ में सन भी लगा दो, क्योंकि उस समय धूप भी ज्यादा रहती है, तीव्र रहती है, छोटे पौधे को धूप भी डैमेज करेगी और गर्म हवा भी डैमेज करेगी। सन ऐसा पूरा लगाना है? नहीं, जहां पौधा है उससे पश्चिम 1 फीट दूर, दक्षिण 1 फीट दूर एल बनाना है। पूर्व और उत्तर छोड़ दो, पश्चिम और दक्षिण एल बना दो सन का। सर और एक सवाल था, अपना जो 5 और 7 का जो ग्राफ है, मुझे वो कप का जो चली है वो बहुत पसंद आया ग्राफ। सर हमारा जो है यहाँ पे अभी जो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, गावे में रहता हूँ मैं, तो सर लोगों का कहना ऐसा है कि अगर सकस लगा दिया, कंद लगा दिया, तो उसका ग्राफ आप 5x5 पे लगाओ या 5x5.5 में लगाओ तो सकस में कुछ दिक्कत आ सकती है क्या उसमें वो ग्राफ में? सकर हो या टिश्यू हो, पहले तो दोनों में फर्क समझ लो। टिश्यू क्या करता है, एक जैसा चलेगा, एक जैसा यूनिफॉर्मलिटी से बंच देगा। सकर अगर हमारा सिलेक्शन छोटा बड़ा आया है, आ ही जाता है, हमने 5000 लेना है तो 300 ग्राम का भी रहेगा, 500 ग्राम का भी रहेगा, किसी का 8 पत्ते आ चुका है, किसी का 3 पत्ते आ चुका है, तो इसकी यूनिफॉर्मलिटी नहीं रहती है, इसलिए किसान शिफ्ट हो गया टिश्यू पे। सकर या टिश्यू दोनों केला ही है, दोनों की मॉर्फोलॉजी एक जैसी है, दोनों 5x7 पे ही लगाना चाहिए और दोनों अच्छा बनता है 5x7 पे। अभी तक हम 5x5 की प्रैक्टिस से बाहर नहीं आए, इसलिए गड़बड़ी है। ओके, वो जो जो प्रॉब्लम हुई है, अभी अभी इस साल से ही मैंने केला लगाया है, तो मुझे वो जो ग्राफ का जो ये है
समझ में आ गया, तो उस वजह से मैंने आपको पूछा। मैं कभी भी किसान को बोलता नहीं हूँ आप टिश्यू लो, सकर्स में कोई दिक्कत, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सकर ही लगाओ। अगर आपका बजट केले को खिलाने का नहीं है तो पौधा खरीदने मत जाओ। यहाँ पर बहुत बड़ा साइंस है, हमारे पास पौधे को खिलाने के पैसा नहीं है। डीएपी यूरिया पोटास हम कर्जा लेकर के लाएंगे, पुराना ऑलरेडी कर्जा है, दुकानदार बोल रहा है अब मैं तेरे को उधार नहीं दूंगा, हम दूसरी दुकान वाले पास जा रहे हैं, तो फिर टिश्यू मत खरीदो। हमें कंद से उत्पादन लेना है, पहले पैसा बनाना है फिर टिश्यू पे जाएंगे, उसका साइंस है। किसान पाठशाला फोकस करता है कंद पे, कंद होना कैसे चाहिए उसकी रेसिपी है, कंद लगाना कैसे होना कैसे चाहिए। हमने कंद लगाना है 300 ग्राम से 200 ग्राम के बीच का, आरू से थोड़ा सा बड़ा, आरू आता है 100 से 200 ग्राम, आरू समझते हैं छोटी गांठ, सबसे छोटी जिसकी आंख है। अगर आपको बेस्ट करना है तो आरू है, लेकिन बेस्ट करने में किसान की मशागत थोड़ी बढ़ जाती है। बेस्ट करने में क्या, आरू सबसे सस्ता मिलेगा, 2 रुपए में मिल जाएगा, 1.5 रुपए में मिल जाएगा। आपको 5000 पौधे लगाना है तो 10000 आरू खरीद के लाओ, तो बात वही हो गई, 1.5 और 1.5 3 रुपए का हो गया। 10000 खरीद के लाओ, घर पे थैलियां भरो, उसमें आरू लगा दो, उसका जर्मिनेशन कर लो, पत्ता उसका लोंग निकाल लो, उसके बाद जो जर्मिनेशन हो गया उन 5000 को एक साथ खेत में लगाओ, तो टिश्यू से आगे निकल जाएगा वो, ठीक है। आरू को अगर इस तरीके से ले गए, अब आरू से ऊपर अगर हम गए, आरू और गांठ के बीच का हिस्सा 200 ग्राम से 300 ग्राम वाली गठन, जिसको एक बार किसी ने काटा है, साइज अगर देखोगे तो पता चलेगा, एक बार जिसने काटा है मतलब वो लोंग देना चालू हो गया, तो उसमें मोर्टिलिटी नहीं आएगी। आरू में मोर्टिलिटी आने के चांसेस है, उसका लोंग अभी है, अभी वो देना चालू नहीं हुआ, पत्ता खिला नहीं, इसलिए उसको जर्मिनेशन कराना पड़ेगा फिर लगाओगे, ठीक है। तो आरू से ऊपर 300 ग्राम और 200 ग्राम बीज की गठन, अब हमें अगर 5000 लगाना है तो 7000 खरीदो, इतना खरीदना ही पड़ेगा अगर टिश्यू के जैसे चलाना है। गठान का साइंस कि गठान कैसे लगाए हम, बेड उसमें भी ऐसा ही बनाओ, ड्रिप ऐसा ही रखो, लगाना ऐसा ही है, लेकिन उसका साइज सिलेक्शन करना है। तो 200 से 300 ग्राम जब हमारे खेत में आ गया, ढेर बन गया, खेत में आया ट्राली खाली हुई, ढेर बन गया, तो उसमें से ग्रेडिंग करा लो। लगाने से 2 दिन पहले 2 मजदूर लगाओ, भैया इसका 200 ग्राम अलग कर, 400 ग्राम अलग कर, 200 ग्राम से नीचे वाला फेंक दो, 4 ग्राम से ऊपर वाला लो मत, 400 ग्राम से ऊपर वाला लो मत। दो डेरी बने 200 से 300 के बीच में और 300 से 400 के बीच में, ठीक, दो डेरी बनी। अब इस डेरी में अगर आपने 7000 लिया है, इस डेरी में 4000 है, इस डेरी में 3000 है, तो क्या करना है, पहले इसको लेना है, एक तरफ से लगाओ, फिर जितनी जगह बच गई उसमें ये लगा लो, तो आपके खेत में डिवाइड हो गया, इसका बंच लेट आएगा, इसका बंच जल्दी आ जाएगा, इसको थोड़ा सा खुराक ज्यादा देंगे, इसको थोड़ा सा खुराक कम देंगे, तो दोनों का साथ में बंच आएगा, ठीक है। इस तरीके से गए तो गठान सक्सेस, 100 सक्सेस। इसको लगाने का एक तरीका है, अगर लगाते समय आपने ध्यान दे दिया तो कभी टिश्यू खरीदना नहीं पड़ेगा, आप हमेशा गठान लगाओ, मजा आएगा। जितना टिश्यू का 15 रुपए है उतना भोजन में हम दे देंगे, तो वो और मजेदार चलेगा। गठान लगाने का जो साइंस है, समय है अपने पास, पैसे बचा दिए भैया, इनके पास समय है, हमारे पास नहीं, अपना समय नहीं, मैं जल्दी जल्दी ले लूं, एक 10 मिनट में ले लो, चलो ठीक, आगे की मीटिंग, ये बहुत मुझे भगाते रहते हैं, अभी एक और मीटिंग है ना। मैं आपको बताता हूँ गठान लगाने का साइंस, जब हमें लगाना है तो केवल 5x7 लगाओ, दूसरा ग्राफ डिलीट कर दो दिमाग से, मजा आएगा खेती करने में, व्यापारी ज्यादा आएंगे। एक चीज, गठान हो या टिश्यू, हमने खेत में कर दिया मार्किंग, गठान आ गया उसका कर लिया ग्रेडिंग, अब लगाते समय क्या करें, सबसे पहले 200 लीटर पानी, उसमें 30 से 40 किलो ताजा गोबर, 5 किलो गुड़ और 200 ग्राम सुक्रोज 200 लीटर पानी में ये डालना है, पहले ड्रेंचिंग करेंगे उसके लिए। दूसरा 200 लीटर पानी है, उसमें 2-3 चीजें और डाल दो, 200 लीटर पानी में 50 ग्राम डेंटा शू,
50 ग्राम डेंटाशू, 100 ग्राम बावेस्टिन, 100 ग्राम सुक्रोज, ये उस गठान को ट्रीट करने के लिए और ये गोबर वाला ड्रेंचिंग करने के लिए, ठीक है। हमने जहां मार्किंग किया है वहां गेती का गड्ढ किया, निकाल लिया, मार्किंग में वो गड्ढा किया और मिट्टी नहीं निकालना है, बस अंदर डाला निकाल लिया, फिर आगे अंदर डाला निकाल लिया, तो वो जमीन ढीली हो गई। जहां हम पौधा लगा रहे हैं या गठान लगा रहे हैं वहां ड्रिप से पहले गीला करना है, तो उसका भी साइंस है। एक दिन ड्रिप चले, दूसरे दिन बंद किया, तीसरे दिन ड्रिप चले, चौथे दिन बंद किया, पांचवें दिन ड्रिप चले, छठे दिन बंद किया, फिर हमें लगाना है। जिस दिन लगाओगे उसके 7 दिन पहले की प्रक्रिया, एक दिन ड्रिप चलाना, दूसरे दिन बंद, तीसरे दिन चलाना, चौथे दिन बंद, पांचवें दिन चलाना है, 3 बार चल गया तो वो जमीन पूरी भेज जाएगी, वापसा कंडीशन हो जाएगी। अब हमने जो गड्ढ किया और निकाला, फिर गड्ढ किया और निकाला, तो वहां पर मिट्टी फूट गई, मिट्टी बाहर नहीं निकाली। अब जिस 200 लीटर पानी में हमने डेंटाशू 50 ग्राम, 100 ग्राम बावेस्टिन, 100 ग्राम सुक्रोज डाला है, उसका 400 ml पानी उस गड्ढे में डालना है, उसको कीचड़ बनाना है। एक आदमी ने गड्ढ किया, दूसरे ने 400 ml पानी डाल के कीचड़ बनाया, तीसरा उसमें गठान रखेगा, जो गठान लगाना है कंद, उस कीचड़ को हटाया और उसमें रख दिया और कीचड़ छोड़ दिया, अगला कीचड़ बना हुआ तैयार है, फिर गठान रखा, कीचड़ हटाया, छोड़ दिया। इस प्रक्रिया से अगर गठान लगाएंगे तो गठान फट से सेट होगी। कैसे सेट होगी? ये जो कीचड़ बना हुआ है वहां पर हवा नहीं है, गठान जहां गई है और कीचड़ में गई है तो उस जगह हवा खत्म हो गई। अब जो आउट साइड की मिट्टी है उस कीचड़ का पानी वो मिट्टी सोखेगी, तो 24 घंटे के अंदर वो कीचड़ हो जाएगा कड़क। जो कंद है और आउट साइड का कीचड़ है उस कंद को उसने लेपित कर दिया, वो हो गया कॉम्पैक्ट, और कंद के ऊपर एक हुप चालू हो गई, गर्माहट चालू हो गई, उसकी जो गठान है जहां से रूट फेंकना है उसने, वहां पर हुप चालू हो गई। और उसे हमने दिया क्या है? एक दिया है डेंटाशू, जो कीड़े आकर उसको काटेंगे नहीं उसके लिए, दूसरा दिया बावेस्टिन, दूसरे खेत से आकर के जो हमारे खेत में लगा है तो फंगस रोकने का काम हुआ, तीसरा हमने दिया उसे सुक्रोज। सुक्रोज पौधे का पहला मदर भोजन है, किसी भी पौधे का, XYZ सुक्रोज किसी भी पौधे का मदर भोजन है, तो उसको भोजन दे दिया, फंगस से रोकने को दे दिया, कीड़े से रोकने को दे दिया। अब उसके कंद में आसपास हमने हुप दे दी, गर्माहट दे दी, तो उस कंद में जहां जहां आंखें दिख रही है, जहां से वो रूट निकालेगा, वो 72 घंटे के अंदर जड़ बाहर फेंक देगा। अगर आप कंद को उठा के लाओगे, उसको प्लास्टिक से बंद कर दो, अंधेरे में रख दो, तो 24 से 72 घंटे में नई जड़ फोड़ के बाहर हो जाएगी। तो इसमें कोई ह्यूमिक एसिड या रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें लॉजिकल है कि हमने जो पौधा लगाना है उसकी जड़ को फटाफट फोड़ दें और उस गठान का 5 से 7 दिन के अंदर पत्ता बाहर कर लें, तो जड़ फूटेगी तो पत्ता बाहर होगा। तो लगाते समय कीचड़ में गठान को रखना है और वो कीचड़ सूखेगा तो वो गठान जड़ फोड़ देगी। अब दूसरा हमने गोबर घोल रखा है 200 लीटर पानी में, 30 से 40 किलो गोबर, 5 किलो गुड़ और 100 ग्राम सुक्रोज, 200 ग्राम ये जो लापी बनी है, राबड़ी, रबड़ी से थोड़ा पानी जैसा बनेगा, ये डालने में आसानी होगी। जो हमने गठान लगाई है उसके आसपास इसको डाल दो, ऊपरी कंद का मुंह फ्रेश है, उसके ऊपर, उसके आसपास, उसके मुंह को साफ करना है एक के पीछे से। जैसे हमने गोबर वाला कीचड़ डाला तो उसके मुंह पे गया तो हल्का साफ कर दो, मतलब उसके आउटसाइड ये मल्चिंग बन जाएगा। ये कंद के आसपास ये कीचड़ जो गुड़ वाला गया है, जब गुड़ ऐसा जो डला और वो गुड़ और सुक्रोज नीचे गया तो पौधे को ऑक्सीजन मिल गया, एनर्जी मिल गई, भोजन मिल गया। अब ये जो गोबर ऊपर रह गया ये गुड़ के होने के कारण ऐसा छाल बन के चिपक जाएगा, तो सूर्य की रोशनी अंदर नहीं जाएगी, ये कचरे की मल्चिंग हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो हम गठान को क्या भ्रमित कर रहे हैं कचरे की मल्चिंग से, कि अभी रात है तुम काम करो। जो मल्चिंग काम करता है वो यहां पर साइंस लॉजिक काम करेगा। हमने कंद को बोला अभी रात है तुम काम करो, तुम्हारी जड़ों को फैलाओ, कीचड़ में लगाया और दूसरे दिन गोबर और गुड़ और सुक्रोज की ड्रेंचिंग करी,
तो पौधा 7 दिन के अंदर 1 से 2 पत्ते दे देगा, 7 दिन में, 7 दिन के अंदर। अगर ये किया है तो 7 दिन के अंदर 1 से 2 पत्ते आएंगे, मतलब आपका कंद सेट हो गया। अभी हम कवरेज एरिया में आ गए, अभी हमारा टिश्यू चालू हो गया, हमें अब टिश्यू की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अगर आपने प्लान किया तो टिश्यू कभी लगाओ मत, कंद से हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन 200 से 300 ग्राम का कंद, इससे बड़ा मत लो, इससे छोटा लोगे तो जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी। और इसको कैसे लगाना है उसका ये ट्रिक, ठीक है? उत्तर दक्षिण रखना है किधर भी, क्योंकि झिकझेक है, इसलिए किधर भी। अगर 7 का रो किया है तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम मायने रखेगा। 7 का रो है तो आपको उत्तर दक्षिण लगाना है। हवा इधर से आएगी तो बादल रुकेगी, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए चौड़ा करो मत, गर्म हवा ठंडी हवा अंदर घुसेगी। अपने क्षेत्र के लिए झिकझेक, तो किधर से भी हवा नहीं घुसना चाहिए, ऊपर से रोशनी घुसना चाहिए, ठीक है? गोबर खाद अगर हम केले की बात करें तो 1000 पौधे पे 3 ट्रॉली के ऊपर नीचे जाना चाहिए, ये सफिशिएंट है। क्योंकि मैक्सिमम मैंने जो देखा है कार्बन परसेंट 0.5 के अंदर है हमारे क्षेत्र का, किसी किसी का 0.5% है कार्बन। तो कार्बन की पूर्ति करेगा गोबर, तो कम से कम 1 एकड़ में 3 ट्रॉली, अगर हमारा बजट है तो 1000 पौधे पे 3 ट्रॉली। तो डालना कैसे है फिर पौधे के पास में, कैसा नहीं बिखरा के पूरे खेत में गोबर खाद, मित्र बैक्टीरिया का, कीड़ों मकोड़ों का भोजन है, कच्चा माल है, तो ये ज्यादा से ज्यादा मार रहेंगे। इसके लिए कम होगी फिर वही नहीं, कम नहीं होगी। इसको कैसा करेंगे, जब पूरे खेत में फैलाया हमने और 10 फीट पे नाली करी, तो ये नाली करने में ये समेट के आ गया। हमें काम में कितना लेना है, इस 7 फीट पे, और सभी दूर रूट को डेवलप करना है, तो इसलिए पूरे में फैलाना है। जो बेड है उस पर छिड़काव किया था, वो ऊपर रह जाएगा, हमें मिट्टी में उसको मिक्स करना है, मिक्स करना है ऊपर की 6 इंच की लेयर पे। पलटी पलो करने के बाद, उसके पहले नहीं, कुछ कुछ गलती कर देते हैं कभी कहीं पर, कि पहले ट्रैक्टर अंदर जा सकता है तो गोबर डाल दिया, बाद में पलटी पलो किया तो अंदर हो जाएगा, वो एक गलत प्रक्रिया है। पलटी पलो करके पाटा घुमाने के बाद में गोबर डालो और फिर रोटा चला दो, तो वो 6 इंच की लेयर में ऊपर की लेयर में आ जाएगा। और उसके बाद आपको 10 फीट पे नाली खींचना है, तो वो नाली वाला सीमेंट के अंदर आ गया और यहाँ का यहीं पर है, तो रूट जब डेवलप होगी तो उसको सभी दूर गोबर मिलेगा। जो बेड पर है, बेड दो दो चास का बेड रहेगा, दो लाइन का बेड, हाँ दो लाइन का बेड, एक पौधे का बेड नहीं, दो पौधे का बेड, दो पौधे। सैकड़ों वीडियो डाले हैं मेरे यूट्यूब पर इसी तरीके से। भैया का जो अभी जो टाइम, कितना टाइम हो रहा है अभी? 4:30 मीटिंग नहीं हो पाएगा अपना, आगे में वीडियो है आपका, तो एक ऐसा कहना है मेरा कि आपका जो ग्राफ बता रहे हैं आप सर, लगता है वो बांट दो सर, लगाते समय का ये बांट दो, वो बनाएंगे अभी जो प्लांटेशन हो रहा है। मैंने बहुत से किसानों को बोला आप जो लगा रहे हो उसका वीडियो भेजो, और कहीं एक आध जगह में लगवा करके वीडियो डालता हूँ, ठीक है? मक्की के जगह दूसरा कोई लगा सकते हैं? कुछ भी नहीं, मैंने सब ट्रायल ले लिया है, मक्का के अलावा कोई विकल्प नहीं।